नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आर प्लेज एज शोन इन द फिगर क्वेश्चन इज वेयर शुड अ थर्ड चार्ज भी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट सो अपना एक नाइन ई और सिक्सटीन uh, ई के चार्ज यहाँ पे रखे हुए सेवेंटी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑप्शन है थर्टी सेंटीमीटर फ्राम नाइन ई फोर्टी सेंटीमीटर फ्राम सिक्सटीन ई या फिर फोर्टी सेंटीमीटर फ्राम नाइन ई या फिर वन और टू नाउसनेरियो ये है कि अगर आपके दो चार्जेस लेट्स ए क्यू वन और क्यू टू Uh, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव एट अ डिस्टेंस आर अगर हमने रखे हुए तो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है लेट्स से फ्रॉम डिस्टेंस आर वन फ्रॉम चार्ज क्यू वन इस आर वन को हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू मल्टीप्लाइड बाई आर सो इसकी वैल्यू यहाँ से आपके क्यू वन से ये वाली वैल्यू आएगी विच मीन्स आर इसको थ्योरी में हम डिराइव कर चुके हैं ठीक है सो आई टू सेव टाइम आई वॉन्ट टू डिराइव दिस अगेन सो इसको आ, अगर आपको डाउट है तो आप थ्योरी लेक्चर एक बार फिर रेफर कर सकते हैं सो so, डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पे यूज़ करेंगे सो क्यू वन इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ नाइन ई डिवाइडेड बाई आप Q1 यानी कि अंडर रूट ऑफ नाइन ई प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन ई मल्टीप्लाइड बाई आर विच इज़ सेवेंटी सो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये आपका ये बचेगा अंडर रूट नाइन यानी कि थ्री और आप uh, इसको लिख सकते हैं नीचे थ्री प्लस फोर और यहाँ पे आपने दोनों में से ही अंडर रूट ई कॉमन ले लिया इसको आप डायरेक्टली वो रिप्लेस कर सकते हैं कैंसिल uh, हो जाएगा ये सो so, ये आपका सेवेंटी सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय सो दिस विल बी इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आया थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम नाइन ई तो आपका यहाँ से 30 सेंटीमीटर आ गया नाउ अगर ये टोटल 70 है तो ये अगर 30 आया है तो दिस विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हैंस वन एंड टू दोनों आपके ऑप्शन राइट हैं सो हैंस आपका क्योंकि हमें एक सिंगल चॉइस ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है सो ऑप्शन नंबर फोर विच सेज़ वन एंड टू दैट विल बी द राइट आंसर